क्या कहें? हे माली, ना जाने कब मैंने कौन सी खेती बो डाली, अब तू सुंदर खेत बो। पुराना खेत जब तक पूरा नहीं चुगा जाएगा, पुराना खेत जब तक खाली नहीं होगा, नई फसल लगा तो दी है लेकिन उसे आने में अभी समय तो लगेगा। इस बात पर धैर्य धरो, अब मैंने अपने खेत में शांति के, प्रेम के, पवित्रता के, मधुरता के, हिम्मत के और सबसे बड़े तेरे बीज डाल दिए। तुझे जान लिया, तुझे समझ लिया, तू मेरा हो गया। सबसे बड़े बीज ये हैं। अब मैंने खेत में ये बीज बो दिए, ज्ञान और ध्यान का निरंतर उन बीजों में जल देते रहो। हिलो मत, दृढ़ता रखो। इस बात पर फक्र रखो, अब मैंने सुंदर सुंदर बीज बो दिए। इनके फल आएंगे ही आएंगे। इसकी हिम्मत, इसका उमंग, इसका उत्साह कब आएगा? संपूर्ण समय नीचे आग लगी हो, नीचे बाढ़ डाल रखी हो, नीचे कांटे बिखरे हो, माँ बच्चे को पैदल चलाती है या गोदी में उठा लेती है? जब नीचे बाढ़ आ रखी है, कीचड़ है, कांटे बिखरे हैं, कहीं पत्थर है, कहीं अंगारे हैं, उस समय माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। मुझे बस बच्चा बच जाना है। गोद तो अपने आप मिल जाएगी। भूल से भी वो मुझे नीचे नहीं छोड़ेगा। जब भी मुझ पर कष्ट आएगा, वो बैठा है ना, मुझे गोद में ले लेगा। ये एहसास कब होगा? जब आप निरंतर उसके प्रेम में, निरंतर ध्यान में रहेंगे। उसको अपना माता पिता और स्वयं को बच्चा बना लेंगे। नीचे देखेंगे ही नहीं, कैसी कीचड़ है, कैसी आग है, कैसे पत्थर, कैसे कांटे हैं। नीचे आपका काम नहीं है देखने का। आपका काम है बाप की गोद
मैं तो तेरी गोदी में चढ़ गया, तू जाने तेरा काम जा। हो सकता है कर लेंगे कि मैं तो आ गया गोदी में, अब चाहे जो मर्जी होता रहे। कोई है जिससे ना हो पाएगा? परिस्थिति को देखकर गोदी छूट जाएगी? बताओ, हाथ खड़ा करो। सब पक्के हो गए? सब पक्के हैं? ये तो हिलने डुलने वाले नहीं है। क्या करेंगे? जैसे वो दूसरे गांव में गया मिनिस्टर, और उन्होंने मिनिस्टर की शक्ति को जानते हुए अपनी सारी बात कह डाली, ऐसे ये बात पक्की करो, मेरा बाबू सर्वशक्तिवान है और मेरे से ज्यादा मेरा जीवन परिवर्तन करने की उसको पड़ी है। मैं थोड़ी जानता था कि मेरा जीवन कैसे परिवर्तन हो सकता है। मैं जानता था क्या? मेरी तकलीफ को देख के बाप ने मेरा हाथ पकड़ा, जहां मुझे इतना सहारा दिया है वहां अंत तक देगा। बस मेरा काम है समर्पित हो जाना, बस मेरा काम इतना है। रीढ़ गर्दन सीधी करो और सातों चक्र से सातों चक्र मिला के मैं आ गया हूं। तुम जानो तुम्हारा काम जान। बाहर से तूफान आएंगे, मन को विचलित करेंगे, कोई ध्यान व्यान नहीं करना, उठ। लेकिन इस बात को आपको समझना है, ये मेरा सेफेस्ट स्थान है। बुराई आएगी, मारेगी धक्का, गुस्सा भी मारेगी, उठा के पटकने की भी कोशिश करेगी कि निकल तू बाहर। जैसे आतंकवादी घर तोड़ तोड़ के और बाहर निकाल निकाल कर मारते हैं, ऐसे माया आएगी, मन को विचलित करेगी। लेकिन आपने सोच लिया, बस यही मेरी गति मुक्ति है, यही मेरी सेफ्टी है, और बस ये है, ये है, ये है, यही है। आपसे बैठा भी ना जा रहा हो कि आप बैठ जाओ ध्यान जोड़ के, लेट जाओ। लेट के सातों चक्र जोड़ लो, और भीतर से इतना पक्का विश्वास रखो आ जाओ जिसको आना है। चैलेंज करो माया को, आ जा। जैसे कहते हैं ना, अपने घर में सब शेर होते हैं, कौन से घर में हो? इस घर में माया
एंटर ही नहीं कर सकती, और कर भी लेगी तो बापूजी बैठा है। आप चाहे कुत्ते से, बिल्ली से, किसी से भी डरते हो, लेकिन बात जब आपके बच्चे पर आ रही हो तो डर वर सब भाग जाएगा। पहले अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे, उस समय कोई कुत्ता बिल्ली नहीं दिखेगा, उस समय तो बच्चे की सेफ्टी दिखाई देगी। पत्थर मारो, डंडा मारो, बच्चे को उठा के वहां से भागो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपके एक्शन क्या होगा, आपका बच्चे को बचाना, बच्चे की सुरक्षा। आप जब कष्ट में देख के अपना बच्चा नहीं छोड़ सकते हो, बाप बच्चा कैसे छोड़ देगा? इतनी दृढ़ बस कनेक्ट होना आना चाहिए। उस समय आपको माया कॉन्शियस नहीं होना है, क्या करूं क्या करूं, घबराहट। एक बार को सारा काम छोड़ दो जो भी कर रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, और बस बाप की गोद में सर रख के लेट जाओ। जिस समय सर रख के लेटे हुए हो, उस समय बाप हो, चिंता नहीं। बाप के होते हुए आपने चिंता की, आपने चिंता की शक्ति को तो बढ़ा दिया, बाप की शक्ति को कम कर दिया। एक हाथ नीचे रखो, उस पे सर रख लो, लाइट का हाथ नीचे रखो, उस पे सर रखो, और दूसरा हाथ यहां रख लो, दोनों हाथ के बीच सर रख के लेट जाओ। मेरे सर किसके हाथ में है? सर्व शक्तिवान के हाथ में। देखो मदद मिलती है कि नहीं, सब अनुभव करो। कोई भी अनुभव से वंचित ना हो, आप अपने अनुभव सुनाओ, आप अपने अनुभवों की डायरी बनाओ। आज शुक्रवार है, नेक्स्ट वीक हरेक के अनुभव आने चाहिए। जब मेरे साथ ये हो रहा था, मैंने सीधा ही बाप के सर में अपना हाथ में सर रख दिया, माया की मैंने एक नहीं सुनी, और मैंने पूरा का पूरा बाप का आह्वान किया, और ऐसे मदद मेरे पास पहुंची। ऐसे मेरा सर दर्द गायब, ऐसे मेरी घबराहट गायब। ऐसे मेरे मन में जो विचार आ रहे थे, विचार उथल पुथल मचा रहे थे, सारे विचार खत्म। एक भी कमजोर नहीं होना चाहिए। दिन भर होते हो, उसके संग रहते रहते गुनगुनाते रहा करो,
तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, जितना चाहूं उतना पा भी लूं। किसी व्यक्ति से प्रेम करेंगे जरूरी नहीं वो आपका प्रेम का रिटर्न प्रेम से चुकाए। आप पागल होते जाएंगे, आप जान देने को तैयार हो जाएंगे उसके प्रेम के पीछे, लेकिन फिर भी वो आपके प्रेम की कदर करे कि ना करे। आप उससे भी सच्चा प्रेम कर रहे हो, व्यक्ति से भी, लेकिन जब आप परमात्मा से प्रेम करते हो, सच्चा लव करते हो, एक एक तार का हिसाब चुकाता है। क्यों दिल लगाओ फिर ऐसे लोगों के साथ जो आपको समझ नहीं पाती। अपना दिल उसको दो जो आपको समझ पाए। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथ मरते तक। भजन गाने हैं, भजन गा लो, गीत गाने हैं, गीत गा लो, लेकिन उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़े रखो। दरवाजा खुला छोड़ो ही मत ना। जिस दरवाजे से माया एंटर करे, माया हर समय चक्कर काटती रहती है। ये अकेला होए और मैं इसे दबोच लूं। रहो ही मत अकेले। ऐसा साथी मिला है उसके साथ एकांत में समय बिताऊं। एकांत कैसा सुनो, एकांत कैसा, हवा भी तेरे मेरे दरमियां क्रॉस ना कर सके, ऐसा एकांत। देखो जरा हो सकता है क्या। जब तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने, तेरे मेरे बीच में, हवा को भी क्रॉस करने की इजाजत नहीं। इस कदर एक दूसरे में समा जाएं, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, एक हो जाए हम जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुमन ना सुगंध की तरह। आपके भीतर के जो प्रेम के अंकुर मर गए हैं, ऐसे गाते गाते अपने भीतर के प्रेम के अंकुर को फुटाओ। आपने हमेशा से सुना होगा बचपन से, परमात्मा कौन सी डोरी में बंधते हैं, प्रेम डोरी, प्रेम के बंधन में खींचे चले आप। और अगर प्रेम के अंकुर है नहीं तो किसको खींचू,
कहते कहते सुनते सुनते भीतर में जब प्रेम के और समर्पण के अंकुर फूटने लगेंगे, तो दो दो नार रहेंगे, एक हो जाए, कोशिश करो। मुझे उस स्थिति तक पहुंचना है जहां तू तू ना रहे, मैं ना रहे। तेरे मेरे दरमिया काले पीले जो फासले हैं, उन फासलों को खत्म कर लो। लड़का लड़की में जब प्रेम हो जाता है, कुछ बातें लड़का एडजस्ट करता है, कुछ बातें लड़की। दोनों की एडजस्टमेंट से ही उनका रिश्ता बनता है और एडजस्टमेंट से रिश्ता निभता है। लड़का ही अपनी जिद पर अड़ा रहे या लड़की ही अपनी जिद पे अड़ी रहे, पहले तो रिश्ता बनेगा नहीं, बन जाएगा तो निभेगा नहीं। मैंने लड़के की आदत को समझना है, वो क्या चाहता है मुझसे। किस नेचर का है, पहले उसकी नेचर से मुझे अपनी नेचर मिलानी है। फिर वो खुद ब खुद मिला लेगा। नेचर कैसे समझ पाएंगे कैसा है वो, इतना टाइम साथ रहते हो, जितना समय साथ रहते हो तो समझ पाओगे। जिससे मैंने प्रेम किया है उसकी नेचर कैसी है, और फिर आप सहज उसकी नेचर से अपनी नेचर मिलाने के लिए तैयार हो जाओगे जब आपका प्रेम हो जाएगा। जब तक प्रेम ही नहीं है, फिर क्यों कोई किसी के पीछे फिदा होएगा? जब प्रेम ही नहीं है, मजबूरी से ज्यादा दिन रिश्ता रह नहीं सकता। और जब प्रेम हो जाता है, तो हर बात सुहानी लगने लगती है, हर अदा सुहानी लगने लगती है। फिर समर्पित होते नहीं है, खोना नहीं पड़ता, अपने आप लुट जाते हैं। फिर क्या कहते हैं जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार। बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब काम उसका है।
पास जाओ, भीतर से काले धब्बे साफ होंगे, फिर पास जाओ फिर कालत साफ होगी, फिर पास जाओ फिर कालत साफ होगी। ऐसे साफ होते होते जब पवित्र हो जाओगे तो एक दूसरे के बिना रह ना पाओगे। दो के संबंध में खटास कब आती है? दो का संबंध संबंध नहीं बन पाता, रिश्ता लंबा नहीं चलता, खटास आ जाती है। कैसे? जब एक दूसरे के स्वभाव संस्कार मैच नहीं खाते, तभी ना। एक दूसरे के स्वभाव संस्कार अगर मैच खा जाते हैं तो रिश्ता कभी खट्टे में आए ना, हमेशा रिश्ता सुहाना बना रहे। पता नहीं मैं कब बिगड़ गया था। तब तेरे मेरे रिश्ते में से मधुरता खत्म हो गई थी, मैं तुझसे दूर चला गया था। बिगड़ा होगा 10 जन्म पहले, 20 जन्म पहले रूठा होगा, और रूठ के अपनी दूसरी नगरी बसा ली होगी मैंने, और दूसरी नगरी बसा के सब उल्टे काम कर दिए। लेकिन फिर देखो, फिर प्रेमी ने खोज लिया और फिर कहता है घर चल। मैं ही तेरा सच्चा माशूक हूँ, मैं ही तेरा सच्चा साथी हूँ, और मैं ही तेरा सच्चा खिवैया। फिर मना मुनू के वापस ले आया। अब ना रूठूंगी, देख लिया रूठ के। अब घर छोड़ के ना भागूंगी, अब मैं अपनी वो नेचर बदल लूंगी जिस नेचर की वजह से ये सब कांड हुए थे कि मुझे भागना पड़ रहा था। अब तेरी गली छोड़ के, तेरा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। फिर क्या कहेगी सखी सखा से क्या कहेगी? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। अभी तो माया की गली सुहानी लग रही थी ना, विदेशी के साथ भाग गई थी आत्मा, लेकिन फिर वो लौटा लाया और फिर आत्मा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जो आज शुरू हुई ना वाणी, महसूसता की शक्ति। फिर उसने ये बात महसूस की आत्मा ने, गलियां तो तेरी ही सुहानी है, मैं भटक गई थी दूसरी गली में। तुम मुझे वापस ले आए। इसी घर के अंदर रहो जो 7 चक्रों वाला 7 माले का घर मिला है। 7 चक्र 7 माले का घर, बस इसी घर में रहो। पहले
पहले के लोग घर में ज्यादा रहते थे, कभी कभार घर से बाहर निकलते थे। अब वालों को बाहर ज्यादा की आदत, घर में रहने की कम हो गई। लेकिन कहते हैं ना, पहले वाली बात अच्छी थी, पहले वाले रिश्ते अच्छे थे, पहले वाली ये चीज अच्छी थी, तो लौट आओ पहले वाले में। बाबुल का घर, पिया का घर सुहाना लगता है। बाहर पैर मत निकालो, ज्यादा बाहर घूमने में माया चक्कर काट रही है। अनेक अनेक रूप धर के और समझ ही ना पाएंगे कि ये माया का रूप है। इसलिए जब तक पक्के ना हो जाओ, जब तक माया का रूप समझने ना लग जाओ कि ये माया का रूप है, जब तक बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, आप बच्चे को बाहर भेजते हो क्या? जब तक वो समझदार ना हो जाए, अपना भला बुरा ना समझने लगे। अभी समझो मैं छोटा बच्चा हूं, अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूं जो अपना भला बुरा समझ सकूं। अभी तो मुझे अपने माता पिता की गोद में रहना है बस। जब बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, तो माता पिता आपको अपने पास बैठा कर थोड़ी रखेंगे। फिर आपको वो फील्ड दे देंगे, जाओ सेवा करो। कमाई करो, सत्य के बीज बो, धर्म के बीज बो। लेकिन जब तक मैं अपना भला बुरा समझने के लायक नहीं हूं, तब तक मैं इन सात चक्रों वाले घर में रहूं। इस घर में रहते रहते मैं माया के रूपों को जानने का अभ्यास करूं कि माया है क्या। जो रोज रोज माया माया सुनते हो, लेकिन सुनते हो पर माया को अभी जाना नहीं है कि किस रूप में माया और कैसे रूप धर के वो प्रवेश करती है, अभी ये जानना नहीं है। अभी सुनने तक है कि माया भी कोई चीज होती है जो हर समय चक्कर लगाती है। ध्यान के द्वारा माया के रूपों को जानने का प्रयास करो। यहाँ आपको सब सिखाया जाएगा ध्यान रूप में। और जब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप बाहर फील्ड में जाओगे भी तो भी आप माया को सहजता से पहचान लोगे। राम जी पढ़ लिख के छात्रावास तो पूरा कर लिया था, पढ़ाई तो पूरी कर ली थी राम जी ने। पढ़ लिख के जब राम जी बाहर आए तो माया के रूपों को समझ सके और माया को
मार सके। अगर कच्चे पक्के राम जी बाहर आ जाते बिना पढ़े माया की बिना समझ के, अब आपको ये थोड़ी बताएंगे कि गुरुकुल में राम जी ने क्या क्या पढ़ा था। गुरुकुल की शिक्षा ही कैसी होती थी, इन्हीं सब बातों से अवगत कराती थी गुरुकुल की शिक्षा कि जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें कैसी कैसी मायावी शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। ये जो आप कर रहे हो क्लास, ये आपका गुरुकुल है। ऑनलाइन गुरुकुल चलने लगे अब समय को देखते हुए। इस गुरुकुल से आप माया के सब रूपों को जान सकोगे जितना अपने आप को साधोगे। इस गुरुकुल में पढ़ाई तो कर रहे हो हर रोज, लेकिन ठीक से लेसन नहीं सुने, ठीक से नहीं समझे। तो माया कैसे वार करती है, कैसे दबोच लेती है माया, आप जान ना पाओगे। हमें तो मूवी में ये दिखा देते हैं कि साधु सन्यासी हवन कर रहे हैं और राक्षस आए और सारे हवन को ध्वस्त करके चले गए। हमें तो बस सीन दिख रहा है, लेकिन आप इस बात की सत्यता को नहीं जानते कौन साधु है, कैसा हवन है और कौन माया के राक्षस हैं जो हवन को ध्वस्त कर देते हैं। अभी ये बात नहीं समझ, आप तो ये सोचते हो साधु सन्यासियों के साथ होता होगा और राक्षस आते होंगे और उनके यज्ञ को विध्वंस करके चले जाते होंगे। कल इस बात पर चर्चा होगी कि यहाँ साधु कौन है और हवन क्या है और राक्षस कौन है। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, जो आपको समझ आ जाए बात, उसके लिए आप जितना हो सके आज का दिन तपस्या में रहना, मौन रहना। तपस्या से अंतरात्मा को जब तक जागृत नहीं किया, तब तक जो बात समझाई जा रही है वो समझ नहीं पाओगे। उसके लिए तपस्या अति आवश्यक है। भीतर में शुद्ध निर्विकार होना अति आवश्यक है।